भी एग्जाम को टॉप करने के लिए आपकी सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट वेपन होती है। आप किसी भी एग्जाम के टॉपर की बात सुनते हैं, वह सबसे बड़ा रोल, अपनी सबसे बड़ा क्रेडिट अपनी सेल्फ स्टडी को देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सेल्फ स्टडी किस तरीके से करें, कौन से ऐसे वे हैं जो आपके लर्निंग आउटपुट को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे और आपको सेल्फ स्टडी की तरफ किस तरीके से लेकर जाएंगे, जिससे आप बड़े से बड़े गोल्स को बहुत इजीली आप अचीव करेंगे और अपने अंदर एक सेल्फ इंप्रूवमेंट आप देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज के समय में हमारे लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, और साइंस एंड टेक पर हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। इसी वजह से हम साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक स्टडी को बहुत ज्यादा पढ़ना, सुनना, उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज के समय में हर एक स्टूडेंट का एक स्टडी के मुताबिक यह बताया गया कि 40-45% टाइम आपका कोचिंग, ट्यूशन, इन सभी चीजों में, स्कूल, इन सभी चीजों में आपका जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा कम हो रही है। हालांकि स्कूल जाना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक डिसिप्लिन में लाता है, आपको एक रूटीन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाना पसंद नहीं करते, लेकिन उनके लिए भी यह जरूरी इसलिए है कि आपको ये एक एक्टिव मोड में रखने का काम करता है। आपको पता होता है कि 5-6 hours आप अपने स्कूल में बिताने वाले हो और यहाँ से कुछ ना कुछ आप सीखने वाले हो, लेकिन आप कितनी भी कोचिंग कर लो, ट्यूशन कर लो, तरी तरीके के ट्यूशन पढ़ लो, बहुत सारे टीचर से आप पढ़ लो, इसका कोई भी फायदा आपको देखने को नहीं मिलता जब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करते। क्योंकि सेल्फ स्टडी आपको 4 points देती है। पहला, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ नॉलेज। दोस्तों, इन चारों ही फैक्टर पे आपकी सेल्फ स्टडी रिवॉल्व करती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने इस गोल को आप कैसे अचीव करें। सबसे पहले ध्यान रखें, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द स्टार्ट। दोस्तों, अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपको स्टार्टिंग में नहीं करनी है। आपको अपने एक्सपेक्टेशन पे इतनी ज्यादा दबाव नहीं डालना कि आपने आज ही पढ़ाई स्टार्ट की और आपने गोल सेट कर दिया कि आज मैं 8-10 hours की पढ़ाई करूंगा, इसके साथ ही साथ मैं अपने बोर्ड एग्जाम में, मैं अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर मैं आना चाहूंगा, इसके साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में 99-95%। इतना ज्यादा खुद पर आपको प्रेशर नहीं देना है। सबसे पहले जो भी गोल आप बनाएं, दो तरीके के गोल्स होते हैं दोस्तों जो आपको बनाने चाहिए, जिसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, अनरियलिस्टिक गोल और रियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक गोल का मतलब यह है कि रियलिस्टिक गोल में आप रेगुलर ग्रोथ आपको मिलेगी, रेगुलर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। और अनरियलिस्टिक गोल ऐसा होता है जिस गोल को बनाने के बाद आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और जब आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा किल होती है, अपने काम में आपका मन नहीं लगता है। सबसे पहले रियलिस्टिक गोल आपको सेट ऐसे करना है कि आपको आज के लिए टारगेट बनाना है। यानी कि अगर आपकी आपकी स्टडी एबिलिटी 1 hour की भी नहीं है, तो आपका पहला टास्क यह है कि आप 1 hour पढ़ने का जरूर प्रयास करें। आज ही आप सोचें कि मैं कुछ भी टारगेट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मुझे 1 hour की पढ़ाई करनी है, 1 hour की सेल्फ स्टडी करनी है। जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, अपने आप की एबिलिटीज को धीमे धीमे बढ़ाएंगे, वही अप्रिसिएशन, वही मोटिवेशन आपको आगे लेकर के जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अपने ब्रेन को थोड़ा बेवकूफ बनाना आप जरूर सीखें। आप ऐसा प्रयास करें कि आपको कोई भी चीज अगर हार्ड लगे तो आप उसे अपने माइंड में कभी भी हार्ड मत आने दें। आपको ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल ये उसी तरीके से है जैसे मैं बचपन में साइकिल सीखता था। शुरुआत में मुझे दिक्कतें होती थी, लेकिन बाद में मैं साइकिल इतने बेहतरीन तरीके से चलाता था कि मैं हैंडल छोड़ करके भी साइकिल को बैलेंस कर लेता था। बिल्कुल इसी तरह से हमारी स्टडी है। जब हम इसे हार्ड बनाएंगे, इसके बारे में हार्ड सोचेंगे, तब यह हमें हार्ड लगेगी। लेकिन जब हमें यह पता चल जाएगा कि हमें ये टास्क हमारे लिए बहुत इजी है, इस टास्क को हमें इजी बनाना है और इसी टास्क के दम पर मुझे सफलता मिलने वाली है, तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि हमें सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। सबसे पहले जान लें, कुछ आपके ऐसे डेज होते हैं जिनके अंदर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ डेज के अंदर आप अनप्रोडक्टिव होते हैं। अगर एक स्टूडेंट की बात करें या सभी की बात करें,
हमारे पास 7 days in a week होते हैं और मंडे टू सैटरडे। मैं ये मानता हूँ कि आपके स्कूल, आपके कोचिंग्स, आपके ट्यूशन, ये सभी चीजें चलती हैं, लेकिन संडे के दिन आपको आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, क्योंकि आपकी कोचिंग्स भी बंद होती हैं, जनरली स्कूल्स आपके क्लोज होते ही हैं, तो आपके पास ये जो टाइम होता है इसको आप सेलिब्रेट एज योर डे स्टार्ट करें। कहने का मतलब संडे के दिन आप ये कोशिश करें कि आपने जितनी पढ़ाई नॉर्मल डे के अंदर की है उसका 2 times या 3 times आप पढ़ाई करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मंडे से सैटरडे के अंदर आप 2 hours रोज पढ़ाई करते थे, एक डिसिप्लिन के साथ आप 2 hours रोज पढ़ाई करते थे, तो संडे के दिन आप इसे अपना दिन बनाएंगे और 6 hours की सेल्फ स्टडी करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है 4 to 6 hours आपको पढ़ना है। आपको ये नहीं करना कि आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, ये कभी भी सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं होता है। दोस्तों सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि आपने खुद का इवैल्यूएशन किया, कुछ आपने नया सीखा, अपने सिलेबस की तैयारी की तरफ आपने अपने कदम बढ़ाए, ये आपकी सेल्फ स्टडी का गोल होता है। अगली बात ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हमसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, हम टाइम टेबल को नहीं बना पाते हैं। दोस्तों बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू को जब आप सुनेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, IIT JEE और UPSC के 2 toppers ने यह बात अपने इंटरव्यू में कही, ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि मैंने कभी भी टाइम टेबल सेट नहीं किया, और उन्होंने यह बताया कि मैंने हमेशा डेली गोल को अचीव करने का प्रयास किया। यानी कि जब आप उठें अपने बेड से तो एक गोल आप सेट कर लें। मान लीजिए कि आपने एक छोटा ही, आप एक बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं और आपने आज एक टारगेट लिया कि मुझे आज ट्रिग्नोमेट्री के 50 questions को सॉल्व करना है, या फिजिक्स में आपको साइंस के सब्जेक्ट में आज आपको रिफ्रैक्शन का टॉपिक पूरे तरीके से एंड करना है। अब आपका गोल यही है, अब आपको यही गोल मोटिवेट करेगा और आपके लिए हार्ड गोल यही होगा कि आप बस इसे अचीव करें। इस तरीके से जब आप डेली गोल्स को अचीव करेंगे, अपनी ट्रू पोटेंशियल को अगर आप जान जाएंगे, तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही साथ जो अगली टिप आपको है लर्निंग के लिए, वो ये है कि डू योर लर्निंग बाय विजुअलाइजेशन। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल, इससे आप खुद को रिलेट कर पाएंगे। जब आप सिनेमा देखने जाते हैं, आप मॉल में मूवी देखने जाते हैं, तो जब आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी बातें, अगर आपसे किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया कि आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा, कौन सा सीन आपको मूवी में सबसे बढ़िया लगा, आप सारी चीजों को एज इट इज बता देते हैं, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसका कारण ये होता है कि आपके सामने वह चीजें विजुअल के फॉर्म में चल रही होती हैं, और हमें जो विजुअल होते हैं वो ज्यादा समय तक हमें रिटेन होते हैं, लर्न होते हैं, हम उन्हें इजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को केवल पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं है, तब हम चीजों को समझ नहीं पाते। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं और लाइट चैप्टर के अंदर आप रिफ्लेक्शन, मिरर, ये सभी टॉपिक्स को आप पढ़ रहे हैं, तो आप देखते हैं कि ये सारी चीजें आपकी हाउसहोल्ड एक्टिविटीज में यूज होती हैं। लाइट के अंदर आप बहुत सारे लाइटिंग इक्विपमेंट्स देखते हैं, इसके साथ ही साथ मिरर आप देखते होंगे, ड्रेसिंग टेबल में आपके यहाँ मिरर लगा होगा, अलमीरा के अंदर आपके पास मिरर लगा होगा, आपके शेविंग जो मिरर्स होते हैं, ये सारी चीजें आप अपनी हेडलाइट्स बाइक्स में, कार्स में आप यहाँ पर मिरर्स को देखते हैं। तो ये सारी चीजें आप जब विजुलाइज करना सीख जाते हैं, जैसे मोशन आप पढ़ते हैं तो मोशन के अंदर आपको पता होता है कि कोई भी चीज अगर समय के साथ अपनी डिस्टेंस को बदल रही है, अपनी पोजिशन को बदल रही है, तो वो मोशन में है, तो आप सारी चीजों को रिलेट कर पाते हैं। ये तरीका है किसी भी चीज को लर्न करने का। अगर आप बैटल ऑफ पानीपत पढ़ रहे हैं, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ रहे हैं, तो आपको इन चीजों को विजुलाइज करना होगा, आपको अपने आप को उस प्लेस पे रखना होगा। आप कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे आप लीनियर इक्वेशन में एज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप खुद पर उन चीजों को लेकर के लेट करिए, समझिए। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। और मैं आपको चलते चलते एक गोल सेट करके देता हूं, इस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको इस चैलेंज को हर हाल में एक्सेप्ट करना होगा, और ये है कि अगले 7 days 15 days तक आपको अपनी सिर्फ 2 hours की स्टडी मेंटेन करनी है, और एनी हाउ आपको करनी है। पूरे दिन में मैं आपको 24 hours के अंदर सिर्फ 2 hours पढ़ने के लिए कहता हूं, और जब आप इस गोल को अचीव करेंगे, इस टारगेट को अचीव करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस मैक्स लेवल पर होगा। फिर अपने आप से आप एक्सपेक्ट करिए, टारगेट बनाइए,
अपने आप को इम्प्रूव करिए और कोई भी आपके बराबर नहीं है, इस बात को जान लीजिएगा। अपनी पोटेंशियल को आप जानते हैं, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर आपकी खुद की पोटेंशियल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं बता सकता। आपके अंदर वह क्षमता है, वह चीज है कि आप असंभव जैसे लगने वाले कार्य को भी आप संभव जरूर बना सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो मुझे लगता है कि आप सभी को सेल्फ स्टडी के लिए एक राइट डायरेक्शन दे पाया होगा, एक राइट अप्रोच दे पाया होगा, एक राइट मेथड दे पाया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करें। अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को, अपने सबसे अच्छे मित्र को इस वीडियो को मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर शेयर करें, चाहे वह एक व्यक्ति हो चाहे वह दो व्यक्ति हो, आप इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो का फायदा जरूर आपको देखने को मिलेगा। बस इस वीडियो में कही हुई बातों को आपको एज इट इज फॉलो करना है। मिलेंगे अपने अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।